अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का ऐसा मास्टर प्लान क्या है? फार्मूला 2024 का बीजेपी सुनेगी तो हो जाएगा, मच जाएगा हड़कंप। आपको बता दूं कि ऐसा फार्मूला सेट किया गया, अरविंद केजरीवाल भी होंगे खुश। आपको बता दें कि चर्चा है कि विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव और नीतीश कुमार को लोग चाहने लगे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोशिश तेज कर दी है। अब अलग अलग दलों के कई नेताओं से दोनों मुलाकात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल से हुई, जब दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। चर्चा है कि विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान फार्मूलों का भी जिक्र किया जा रहा है। कौन सा फार्मूला, ये अहम बात है। इसी फार्मूले के आधार पर दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आखिर वो फार्मूला क्या है, कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश होगी, आगे इन मुद्दों पर चर्चा हम करते हैं। आपको बताते चले कि विपक्षी एकता के लिए जदयू और राजद साथ काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी ओर से अलग से कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि दक्षिण भारत के राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कुछ राज्यों के में क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस के साथ है। अब इन दलों से बातचीत करके 2024 लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दक्षिण के साथ साथ वाम दलों को भी एक साथ लाने पर कांग्रेस काम कर रही है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और शरद पवार अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू और तेजस्वी के नेतृत्व में राजद उत्तर भारत के विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को एकजुट करने का काम नीतीश और तेजस्वी को कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य छोटे दलों को भी साथ लाने के लिए दोनों नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। 12 अप्रैल को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश ने साफ कर दिया कि विपक्षी एकता बगैर कांग्रेस को साथ लाए संभव नहीं है। राहुल खड़गे से मिलने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर खड़गे और राहुल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर बातचीत की। खड़गे ने अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से फोन पर भी बात की। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सोमवार को पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से मुलाकात की और फिर लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले। बात करते हैं फार्मूला क्या है, इसे समझने के लिए हमने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से भी जो कि बातचीत की सुगबुगाहट से जानकारी निकाली। एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि नीतीश, तेजस्वी, संघ, खड़गे और राहुल की बैठक में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब इसी फार्मूलों के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को साथ साथ लाने की कोशिश हो रही है। इस फार्मूले पर अंतिम मुहर तब लगेगी जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे, तब इस पे मुहर लग जाएगी। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय एक है, इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इसे स्वीकारा है। आपको बताते चले नीतीश ने ही इसका प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों को अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी ये ना लगे कि किसी दल को उपेक्षा की जा रही है, सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का, जिस भी राज्य का, राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो, वहां उसे लीड करने दिया जाए, बहुत बड़ी बात है। मसलन बिहार में राजद जदयू का प्रभाव हो, ऐसे में यहां ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाए। इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के इस गणित से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा है।
खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो है कि नीतीश कुमार के इस प्लान से सहमति मतलब हामी भर दी है कि 2024 का जो लड़ाई है नीतीश कुमार और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो अखिलेश यादव यहाँ पे लीड करते हुए नजर आएंगे। साथ में जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल और शेखर आजाद जैसे नेता साथ में अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी ये सूत्रों के हवाले से खबर है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।